दोस्तों, ये देखिए आज का न्यूज़पेपर है। ये देखिए दैनिक भास्कर का, देखिए आज का न्यूज़पेपर है। इसमें देखिए दिया गया है कि जितने स्टूडेंट इस बार TET का जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे थे, अगर सभी को ले भी लिया जाता तो फिर भी जो जितने खाली पद थे वो नहीं भर पाते। लेकिन फिर भी इस बार जो है 37,151 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ। तो चलिए इसको जानते हैं, पहले अच्छे से इसको पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए इसमें लिखा गया है, पहले से दूसरे टेट में लग गए 6 साल, 5 और टेट लेंगे तो पूरी होगी शिक्षकों की ज़रूरत। तो इसमें लिखा गया है कि देखिए पहला से दूसरा टेट लेने में जो है 6 साल का टाइम लग गया। तो इसी तरह से जितने स्टूडेंट को इस बार लिए हैं, तो इसी तरह से अगर 5 टेट अगर कंटिन्यू लेगा तब जो है पूरा सीट जो है भरेगा। इसमें देखिए लिखा है शिक्षकों की कमी, फिर लिखा है 4.08 लाख हैं कार्यरत, उसके बाद लिखा है 1.93 लाख पद हैं खाली। तो मतलब कि लगभग 2 लाख पद जो है खाली हैं जो है शिक्षक के बिहार में। तो इससे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इसका जो है फॉर्म जो है आने वाला है। और देखिए नीचे लिखा है 37,151 TET के बाद भरेंगे। फिर नीचे लिखा है 1.56 लाख फिर भी रिक्त। तो देखिए टोटल जो सीट खाली है लगभग 2 लाख के लगभग जो है सीट खाली है। और जो इस बार जो टेट में जो लिया गया है वो 37,151 स्टूडेंट को ही लिया गया है। लेकिन फिर भी जो है 1,56,000 जो है पोस्ट जो है टीचर के लिए वो खाली रह जाते हैं। नीचे लिखा है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता 6 साल पहले लागू हुई। परीक्षा हर साल होनी थी लेकिन सूबे में इस दौरान सिर्फ 2 परीक्षाएँ हुई है। हालिया परीक्षा के परिणाम को आधार माने तो ऐसी ही 5 परीक्षाएँ वह भी लगातार होंगी, तभी शिक्षकों के रिक्त पद भरेंगे। टेट के ताज़ा रिजल्ट से 37,151 पद भरेंगे, लेकिन इतनी नियुक्ति हो जाने के बाद भी राज्य के स्कूलों में शिक्षकों का बैकलॉग नहीं भरेगा। मतलब देखिए अगर इतना जितना कि जो है पोस्ट के लिए इस बार जो है सिलेक्शन स्टूडेंट को किया गया है, इसी तरह से देखिए कंटिन्यूसली जो है 5 एग्ज़ाम लेगा तब भी जो है तभी जाके इसका जो है सीट जो है भरेगा। आगे देखिए लिखा है, चाहिए 6.81 लाख शिक्षक, लेकिन अभी जो सिर्फ जो है 6.01 लाख शिक्षक हैं। नीचे लिखा है, राज्य सरकार के आंकड़ों को देखें तो RTI के तहत प्रति 30 छात्र पर एक शिक्षक होने की शर्त पूरा करने के लिए राज्य में लगभग 6.81 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करना होगा। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि राज्य में शिक्षक और छात्र का अनुपात 60:1 है। लगभग 4,08,000 शिक्षक नियुक्त हैं। हालांकि राज्य में अभी शिक्षकों के जितने स्वीकृत पद हैं उनके मुताबिक शिक्षक छात्र अनुपात 34:1 है। स्वीकृत पदों के आधार पर राज्य में लगभग 6,01,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, यानी मौजूदा स्थिति में 1,93,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करना है। नए टेट के आधार पर 37,151 शिक्षकों को तो राज्य सरकार अभी भी नियुक्त कर सकती है। हालांकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नए टेट के आधार पर नियुक्ति के बाद भी राज्य सरकार को लगभग 1,56,000 शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। और देखिए इसमें लिखा है कि हर साल होना है टेट। आगे लिखा है, टेट हर साल आयोजित करने का प्रावधान है, लेकिन दूसरी बार टेट 6 साल के अंतराल में 2017 में आयोजित हुआ। रिजल्ट 21 सितंबर को जारी हुआ। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को अभी तक टेट के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सका है। स्थिति इस तरह से है कि खाली पदों के मुकाबले टेट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। मतलब देखिए टेट का एग्ज़ाम जो है, इस न्यूज़ को देख के लग रहा है कि टेट का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द फिर से आने वाला है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट जो अपने तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ये बहुत जल्द जो है टेट का एग्ज़ाम फिर से होगा। आगे देखिए जो शिक्षा मंत्री जो है, देखिए उससे देखिए क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो देखिए वो क्या जवाब दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, टेट 2017 के रिजल्ट के आधार पर स्कूलों में शिक्षकों की सीटें नहीं भरेगी। तो उसका आंसर दिया है, सभी सीटें तो नहीं भरेगी लेकिन गैप जरूर कम होगा। तो वो भी जो है बोल रहे हैं कि गैप कम होगा लेकिन सभी सीट नहीं भर सकता है। तो देखिए आगे क्वेश्चन पूछा है, अगला टेट कब आयोजित होगा। तो उसका आंसर दिए हैं, शिक्षकों की आवश्यकता का अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा शिक्षकों की आवश्यकता तो है ही। तो उसने आंसर दिए हैं, कहा ना कि अध्ययन करेंगे, संभव है इसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। फिर क्वेश्चन पूछे हैं कि दो टेट के
अंतराल में 6 साल का वक्त लग गया, इस स्थिति में कैसे निपटाएंगे? तो आंसर दिए, टेट का रिजल्ट अभी आया है, स्थिति की समीक्षा कर हम प्रक्रिया शुरू करेंगे, अनावश्यक देरी नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब बात से देखिए ये पता चलता है कि टेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। सो आप अपने तैयारी में अच्छे से लगे रहिए, अगला टेट बहुत जल्द आएगा, आपको हम जो वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे। अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है कब टेट आएगा या फिर ऐसा कुछ इंटरनल हमको पता चलता है तो आपको हम वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप जो है सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसको क्लिक कर लीजिए, उससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।